पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर में आज यहां के जिलाधिकारी एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने सियाना तहसील में अचानक पहुंचकर रोचक निरीक्षण किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में अधिकारियों इधर से उधर भागते हुए और हांफते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, डीएम ने लेखाकार से लेकर तमाम क्लेविकल स्टाफ के पदों का भी निरीक्षण किया और इकाइयों को जहां कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी, तो वहीं कुछ एक के खिलाफ जिलाधिकारी सख्त भी दिखे। फिलहाल चुनाव खत्म हो जाने के बाद जिलाधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलंदशहर के तेजतर्रार जिलाधिकारी अभय सिंह आज एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने आज बुलंदशहर के सियाना तहसील का औचक निरीक्षण किया। जैसे ही तहसील कर्मियों को डीएम के पहुंचने की जानकारी मिली, वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, डीएम ने कई स्थलों का निरीक्षण किया और कोषागार से लेकर तमाम जगह उन्होंने फाइलों के भी देखा। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। डीएम ने एक कर्मचारी को जहां सस्पेंड कर दिया, वहीं अन्य कर्मियों को भी नोटिस थमाया गया है। डीएम तहसील में कर्मचारियों के कार्य से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं सीनियर अधिकारियों से बात की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आखिर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों ना की जाए। निरीक्षण किया गया है, तहसील के निरीक्षण में कई चीजें जो कमियां पाई गई है उसमें सुधारने का कुछ कुछ को मौका दिया जाएगा और कुछ पे कार्रवाई करा रहा हूं। इसमें AWBN को सस्पेंड करने के लिए सस्पेंड होगी। इसके साथ ही साथ में यहाँ मौजूद जो अभिलेखागार में कई कमियाँ पाई गई हैं उसको दूर करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को बोला भी गया है। जो पटल देख रहे हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि 3 दिन में इम्प्रूव करके बताएं कि उन पर कार्रवाई क्यों ना हो। और इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स को EDM FR साहब को निर्देशित किया गया है कि सभी तहसीलों में वो स्वयं अपना भ्रमण कर लें और उन कमियों को 1 वीक के अंदर निस्तारित करा जाए।